इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। माशाल्लाह स्टेज मिल गई है। कौन सा स्टेज मिल गया जी? मीडिया का। वो कौन सा जी? ये वो नाम है जी। एक आधी टिकटॉक बनती है जनाब, इतने व्यूवर्स आ जाते हैं, इतना पैसा आ जाता है। ऐ तायरे लाहूती, उस रिजक से मौत अच्छी, कुरान कहेगा। नहीं है ये तेरे लिए हलाल। इज्जत बेच के खाना हलाल नहीं है। मेहनत कर, हलाल कमा, थोड़ी खा ले, झूपड़े में रह ले, इज्जत से रह ले, महल्लात बना के, कोठियां बना करके, इज्जतों के ठुमकों के ऊपर अगर तू खा रहा है तो कुरान तो बोलेगा। और जब ये बोलेगा, दिल तो चाहेगा इसको आग लगा दो। मुफ्त में आसानी से जो कमाया जा रहा है, ये कहता है मजदूर को दो, खून पसीने की कमाई है, पसीना खुश्क होने से पहले दे। आजिर और अजीर के उसूल, बै के खरीदो फरोख्त के उसूल, तिजारतों में जो हराम है दो नंबर है बताएगा, मिलावट नहीं करनी बताएगा, धोखा नहीं देना बताएगा, बोल रहा है। दीन भी हो, मिंबर पे भी खड़ा हो तो दो नंबर ही नहीं कर, जब ये बोलेगा बुरा तो लगेगा। क्या ख्याल है? हुकूमत के उसूल बताएगा, कहेगा ज्यादती नहीं करनी, धोखा नहीं करना। ये कहेगा कि जमहूरियत क्या, तेरा वो सारा सिस्टम धोखा है, सारी जिंदगी भी करता रहे, तुझे कभी लैला नहीं मिलेगी बन मजनू। वो जमहूरियत हो या दुनिया की कोई सिस्टम हो, तेरे इलेक्शन बर्बाद करके रख देंगे तुझको। हम सलाहियत वालों की सिलेक्शन का उसूल देते हैं। कुरान ने इस्तीफा किया है, चुना है, सिलेक्ट। और हमने सिलेक्शन भी गाली बनाई, जिस पैराए में थी बनती भी थी। क्या नतीजा निकला? आए थे दो हुजूर, यमन की गवर्नर की सीट खाली है, हमें गवर्नर लगा दें। आका ने क्या कहा था? उस पर इलेक्शन करवाएंगे? कहा नहीं, हम पहली बात है हम मांगने वालों को नहीं देते, नो एप्लीकेशन। ये कोई ऐप नहीं है कि हम खोल देंगे, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। हम जानते हैं कौन क्या है, किस पानी में है, किस में ये सलाहियत है। जो उस सलाहियत का मालिक है उसे दिया जाएगा। बुलाया किसको? मुआज़ इब्ने जबल को रदी अल्लाह ताला नो, वही जिनको लोगों ने कहा था इमामत करानी नहीं आती, उन्हें दिया। और जो सारी दुनिया कह रही थी हुजूर मुसल्ला है, बड़ा बोझ है, नबूवत का वजन है, इसे नहीं उसे, उसे नहीं उसे, उसे नहीं उसे। आपने कहा मुरु अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, हमारी सिलेक्शन होती है, हमने चुना है किसको देना है, कि मुसल्ले के लायक कौन है हमें पता है। जब कुरान ऐसे बोलता है तकलीफ तो होती है। जिसे बाप कहता था तुझे ऊंट नहीं चराने आते, मेरे महबूब ने जब नजरे करम से तरबियत में पाला और फिर 22 लाख मुरब्बा मील और जो है वो ईंट का बाजू का सिराना बना के पथरीली जमीन हर्रे में किक्कर दी छां, वो भी सहराई किक्कर दी छां, किन्नी कुंदी है, बगैर प्रोटोकॉल के लेटा हुआ है और कैसरों किस तरह कांप रहे हैं। फिर कुरान को तो पता किया जाएगा ना कि यार ये इसने किताब कौन सी पढ़ी है, केड़े मदरसे का स्टूडेंट। अल्लाह के लिए परेशान आप हैं तो अपनी परेशानी का इलाज इससे करवाएं, दिमागी खलल है तो ये हल बताएगा। आप हारे हुए हैं, नफ्सियात के मारे हुए हैं, धोखा खाए हुए हैं, किसियानी बिल्ली जो है उसके बारे में जरबुल मसल मशहूर है। ऐसे करने से कुरान का भी कुछ नहीं होगा और इंशाल्लाह अहले कुरान का भी कुछ नहीं होगा। रशिया ने अपनी हालत देख ली, अपने टुकड़े देख लिए, बाकी दुनिया ने भी अपने हालात देख लिए। तो अल्लाह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ज़हनी तौर पे मरूब ना हूँ, ऐसा से कमतरी का शिकार ना हूँ। हम भरपूर, सिर्फ मुजम्मत ही नहीं, मुरम्मत ही नहीं, ये रहमान है, अपने मामले में गालिब है, वो करके दिखाता आ रहा है। हाँ, इंसान खड़े हो के गलबे की तरफ आ जाएं तो रब दे देता है, ना हूँ तो फिर वो अपने मामले जो दिखाता है वो हाथियों और साथियों को चिड़ियों से और अबीलों से कैसे मरवाता है, उसके अपने मामले हैं। यूसुफ को कैसे कुएं से उठा के तख्त पर बिठाता है, तरीके अपने हैं। लेकिन सवाल यह है कि हमारा तरीका, हमारा अमल, गैर ने अगर इससे कुछ अच्छाइयाँ लेके इज्जत पा ली है तो हम क्यों नहीं ले पाए? उसने चंद उसूल कारोबार में अपना लिए हैं, वो हम क्यों नहीं ले सके? उसने उसके ऊपर जो एक नाम कमाया है तो हम क्यों नहीं कमा सके? सवालिया निशान है कि शान इसकी निराली है, मुकाम इसका बड़ा है, इसको कोई गिरा नहीं सका, मिटा नहीं सकेगा। लेकिन हम कहाँ हैं? खुद बदलते नहीं, बदल देते हैं कुरान को। हमारे इन्हीं रवैयों से उन लोगों को जुरत हुई है, वगरना हम अगर ठीक होते तो दुनिया भी ठीक होती।
اللہ عمل کی توفیق دے. اقول قولی ہذا واخر دعوانا ان الحمدللہ.